हेलो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंटों का सपना होता है कि वो आगे चल के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक इंजीनियर बने, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बने चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट में बने। जैसे कि हार्डवेयर इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, या मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए। इस तरीके से इंजीनियर बने काफ़ी स्टूडेंटों का ही सपना होता है। और दोस्तों, हमारे भी चैनल का यही एक कोशिश है, यही एक माध्यम है कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कंप्लीट करें, अपनी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट करें और एक अच्छी जॉब आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, एक एजुकेशन ही ऐसा जरिया है जिससे आप अपने फ्यूचर को जो है अच्छा बना सकते हैं और अपने जो देश की गरीबी है उसको भी खत्म कर सकते हैं। एक एजुकेशन से ही, एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे सारे कुछ जो है वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके का वर्क होता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, कौन होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कितनी सैलरी मिलती है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूँ पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मलिक में। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम इस तरह की कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किस तरीके का वर्क होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर में भी होती है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो वर्क होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, जैसे कि हमारा रेलवे विभाग हो गया, या हमारा बिजली विभाग हो गया, या हमारा टेलीकॉम विभाग हो गया, या हमारा जहाँ पे पावर जनरेशन विभाग हो गया। तो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, ये समझ लीजिए, कोई छोटा उपकरण है या बड़ा उपकरण है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इस तरीके की जो काफ़ी उपकरण है उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बहुत ही जोखिम भरी जॉब होती है, बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब होती है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, क्योंकि इनका वर्क जो है वो इसी तरीके का होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि आप अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने 10th कंप्लीट किया है अपना तो भी आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, या आपने यहाँ पे 12th कंप्लीट किया तब भी आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, और इसमें आपने अगर मास्टर डिग्री की है तब भी आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। वो मैं अलग अलग डिफरेंस जो है वो आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे 10th किया तो आप यहाँ पे ITI कर सकते हैं जो कि 2 ईयर की होती है, उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट विभाग में चाहे प्राइवेट विभाग में। और यहीं पर आपने अगर 12th किया है अपना तो आप जो है यहाँ पे पॉलिटेक्निकल कर सकते हैं, उसके बाद भी आप जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट विभाग में भी और आप प्राइवेट विभाग में भी। और यहीं पे आपने जैसे कि पॉलिटेक्निकल किया है और आप चाहते हैं ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल में करना, जैसे कि आपका BTech हो गया या BE हो गया, इनमें आप BTech यहाँ पे आप करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन अपना करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा अगर आपने पॉलिटेक्निकल किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप ग्रेजुएशन जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं जो कि 4 ईयर का होता है, और आप पॉलिटेक्निकल की बात करेंगे तो ये 3 ईयर का होगा। और यहीं पे इसके साथ साथ जो है आप मास्टर डिग्री इसमें कर सकते हैं, जैसे कि MTech कर सकते हैं या ME कर सकते हैं, इसमें मास्टर डिग्री जो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक अच्छी जॉब जो है, अच्छी पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो पढ़ाई जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और काफ़ी फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो, सभी में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो जैसे कि IBM हो गई, विप्रो हो गई, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो कंपनियां उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको बता ही चुका हूं, रेलवे हो गया, बिजली विभाग हो गया, टेलीकॉम विभाग हो गया, इस तरीके के जो विभाग है उनमें भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और आने वाले टाइम जैसे कि टेक्नोलॉजी का टाइम है तो आने वाले टाइम में भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो फिर से यही है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों अपनी पढ़ाई जो है वो आप इलेक्ट्रिकल से जो है कंप्लीट करें, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनिए। तो दोस्तों, अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि आप एक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो आपको यहाँ पे क्या सैलरी मिलेगी। तो इसका एक सटीक आंसर देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 10th से भी कर रहे हैं, 12th से भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से भी कर रहे हैं। अगर आप 10th या 12th से करते हैं तो आपको यहाँ पे 15,000 से लेकर 20,000 जो है वो आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। और यहीं पर आप अगर ग्रेजुएशन से करते हैं तो आपको यहाँ पे 30,000 से लेकर जो है आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। और यहीं पर आप इसमें मास्टर डिग्री करते हैं तो 40,000, 50,000, 60,000, कोई उसमें लिमिट नहीं है कि कितनी आपको सैलरी मिले, क्या आपको पोस्ट मिलती है, वो उस पर डिपेंड करता है।
और किस कंपनी में आप वर्क करते हैं उस पे वो डिपेंड करता है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी जो है वो मिलती है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस इसमें हो जाता है उसके बाद जो आपकी सैलरी जो है इसमें बहुत अच्छी जो हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब के बारे में कि कैसे बने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है बहुत जल्दी किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने अपना 10th 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके साथ जो है आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम इस तरह की कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी कोर्स से रिलेटेड किसी जॉब से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।